आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आज से फ्री वैक्सीन लगाने वाले लोगों के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको उस अपडेट में। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाएगी सरकार, 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में होगी कटौती, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको उस अपडेट में। साथ ही प्राइवेट नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए जरूरी खबर, इस सरकारी पोर्टल पर मिलेगी आपको वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको उस अपडेट में। साथ ही यहां पर बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बिजली बिल भरने पर ही अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी, इस राज्य की सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही सरकार ने जारी किया है निर्देश, 1 जुलाई से इस राज्य में खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकल कर आई सामने, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आज से सभी के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन, कोविन पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन की नहीं है जरूरत। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में टीकाकरण का अगला चरण आज से शुरू होने जा रहा है। इसके अंतर्गत आज भारत सरकार 18 साल से ऊपर वाले लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 7 जून को ऐलान किया था कि राज्यों को टीका निर्माता कंपनियों है उनसे वैक्सीन की खरीद नहीं करनी होगी। वही केंद्र 75% वैक्सीन की खरीदारी करेगा और उसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में वितरित करेगा। इसके अलावा यहाँ पर सरकार ने कहा है कि आज से शुरू होने जा रहे टीकाकरण के अगले चरण में cowin.gov.in पर पहले रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। सभी सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्रों पर यही सुविधा लोगों को मुहैया यहाँ पर कराई जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में सरकार ने दी है ढील, अब रात 9 बजे तक खुलेगी दुकानें, शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 50 लोग। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आने के बाद यूपी की योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में ढील देने का यहां पर ऐलान यहां पर कर दिया है। अब सरकार ने लोगों के लिए राहत का ऐलान यहां पर किया है। सरकार में सोमवार यानी आज यानी 21 जून से शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं दुकानें खुली रखने की समय सीमा भी यहां पर सरकार की ओर से बढ़ा दी गई है। वहीं निजी और सरकारी दफ्तर भी कर्मचारियों की 100% उपस्थिति के साथ उत्तर प्रदेश में खुल सकेंगे। वहीं यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने इस संबंध में आदेश यहां पर जारी किया है। वहीं मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक 21 जून से लॉकडाउन में 2 घंटे के अतिरिक्त छूट यहां पर दी जाएगी। प्रदेश में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकेगी। हालांकि दुकानें हफ्ते में 5 दिन ही खुलेगी, यानी शनिवार रविवार को वीकेंड लॉकडाउन यूपी में अभी भी जारी रहेगा। वहीं सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सरकारी और निजी कार्यालय 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे, लेकिन वहां कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल के अंदर रेस्टोरेंट और यहां पर जो एडिंग 50% की क्षमता के साथ इनको खोलने का यहां पर अनुमति दी गई है। ये भी 5 दिन खुलने की इजाज़त यहाँ पर दी गई है। वैसे शासन ने शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाज़त दी है। वहीं समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी। वहीं साथ ही आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर 2 गज की दूरी का नियम पालन करने के साथ ही करनी होगी। वहीं सैनिटाइजर की व्यवस्था भी यहाँ पर करनी होगी। सरकार की ओर से आदेश यहाँ पर जारी हुआ है यूपी के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, तो तेलंगाना सरकार ने जारी किए हैं निर्देश, 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। कोरोना वायरस के घटते मामलों के बीच धीरे धीरे सभी राज्य अनलॉक हो रहे हैं। दूसरी लहर में कोरोना के कहर से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को खोलने का यहां पर समय आ गया है। इसी के क्रम में तेलंगाना सरकार ने रविवार से अपने मतलब तेलंगाना राज्य के अंदर लॉकडाउन सरकार ने खत्म कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को दोबारा खोलने का फैसला यहां पर लिया है। तेलंगाना सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद राज्य में लॉकडाउन उठाने और 1 जुलाई से शैक्षणिक संस्थानों को दोबारा खोलने का निर्णय यहां पर लिया है। वह राज्य में 1 महीने से महामारी को नियंत्रण पाने के लिए यहां पर लॉकडाउन लागू था। वहीं एक अधिकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य में मंत्रिमंडल ने शनिवार को यह निर्णय लिया और सभी विभागों के अधिकारियों को लॉकडाउन के दौरान लागू प्रतिबंधों को हटाने के निर्देश यहां पर दिए हैं। वहीं विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह निर्णय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्य में कोविड-19 के मामलों में कमी संबंधी रिपोर्ट के बाद यहां पर यह निर्णय यहां पर लिया गया है। वहीं तेलंगाना मंत्रिमंडल ने यह भी कहा है कि पड़ोसी राज्यों में संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है और 8 जून को मंत्रिमंडल ने राज्य में लॉकडाउन को 10 दिन और आगे बढ़ाने यानी शनिवार तक बढ़ाने का निर्णय लिया था। वहीं शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोले जाने के संबंध में दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं और कक्षाओं में स्टूडेंट की व्यक्तिगत मौजूदगी को भी मंजूरी यहाँ पर दे दी है। यानी 1 जुलाई से राज्य में स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेज लगने शुरू होगी तेलंगाना के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं अगले अपडेट की, तो बिजली बिल भरने पर ही सरकारी कर्मचारी को मिलेगी सैलरी, असम सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। असम में किसी सरकारी कर्मचारी ने बिजली बिल नहीं भरा तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी। हिमंत बिस्व शर्मा सरकार ने ये नया यहाँ पर नीति लागू सरकार के अंदर यहाँ पर असम के अंदर कर दी है। ये नियम राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा और सैलरी पाने के लिए वक्त से अपने बिजली बिलों का भुगतान सरकारी कर्मचारियों को असम के अंदर करना होगा। वही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने निर्देश यहाँ पर दिया है। उनके निर्देश पर असम सरकार यहाँ पर असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन
कंपनी लिमिटेड ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव और सभी सरकारी विभागों के कमिश्नरों और सचिवों को इस बारे में चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में सभी से आग्रह किया गया है कि वे अपने अधीन सभी ड्राइंग और डिस्पिसिंग ऑपरेशंस को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश यहाँ पर दिए। ये देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो 30 जून से पहले सैलरी और भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया शुरू करते वक्त कर्मचारी ऐसे सर्टिफिकेट जमा करा दे जिसमें लिखा हो कि APDCIL के बकाया कोई यहाँ पर उनके पास नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने 6 जून को इस आशय का निर्देश दिया था। उसी के बाद यहाँ पर APDCIL के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ग्रुप चिट्ठी यहाँ पर लिखी है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाएगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में होगी कटौती। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने जा रही है। राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। वह उत्तर प्रदेश में से नए कानून को बनाने के लिए आयोग ने अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। जल्दी आयोग इसका जो रिपोर्ट है वो तैयार कर सरकार को सौंपेगा। वही जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाओं एवं सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि विधि आयोग अगले 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। वही आयोग ने मध्य प्रदेश राजस्थान समेत अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार इस नए कानून से 2 से अधिक बच्चे वाले माता पिता को सरकारी सुविधाओं में मिलने वाली सब्सिडी में कटौती है उस पर विचार यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो प्राइवेट नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए जरूरी खबर, सरकारी पोर्टल पर मिलेगी वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। प्राइवेट सेक्टर की किस कंपनी में कितनी वैकेंसी है और उसके लिए किस तरह की क्वालिफिकेशन की यहाँ पर जरूरत है, ये सारी जानकारी अब आपको एक जगह पर ही मिल जाएगी। नौकरी तलाशने के लिए अब आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर नौकरी की जानकारी आपको सरकारी प्लेटफॉर्म नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर मिल जाएगी। इस पोर्टल पर आपको यहाँ पर नेशनल करियर जो पोर्टल है इस पर आपको प्राइवेट सेक्टर में निकलने वाली नौकरियों की सारी जानकारी अब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लागू होने वाले नए श्रम कानून में इसे आवश्यक यहाँ पर बना दिया गया है। सभी प्राइवेट कंपनियों से कहा गया है कि साल के दौरान उनके जहाँ जितनी वैकेंसी यहाँ पर निकलती है उसकी सारी अपडेट, उसकी सारी जानकारी सरकारी पोर्टल को दें। हालांकि कंपनियों के पास दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपने जो मौजूद वैकेंसी है उसकी जानकारी देने की आज़ादी यहाँ पर होगी। वही नए श्रम कानून 1 जुलाई से लागू हो सकता है। वही श्रम मंत्रालय ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वही केंद्रीय नियमों को अंतिम रूप यहाँ पर दिया गया है। राज्यों ने भी अपने नियमों को फाइनल यहाँ पर कर दिया है। आप जिस काम में भी एक्सपर्ट हो उस तरह की जॉब आपको यहाँ पर इस पोर्टल पर मिल जाएगी। बस आपको पोर्टल पर अपना नाम रजिस्टर करना होगा। वही केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि 2015 में शुरू की गई नेशनल करियर सर्विस यानी NCS युवाओं को रोजगार और करियर की जरूरतों को पूरा करती है। इसमें रोजगार से जुड़ी कई तरह की सेवाएं जैसे पेश के बारे में सलाह देना और यहाँ पर पैसे के बारे में सलाह देना और व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास और पाठ्यक्रम की जानकारी और इंटर्नशिप आदि प्रदान इसमें की गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षकों के 10,453 पदों पर होगी भर्ती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है मंजूरी। राजस्थान में बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कंप्यूटर शिक्षकों के नए कैडर के लिए 10,453 पदों को सृजन करने की मंजूरी यहां पर दे दी है। इसके साथ ही संविदा आधार पर जरूरी तत्काल भर्ती के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति यहां पर दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा विभाग में 9,862 पद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है और 591 पद वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के सृजित यहाँ पर हो गए। वही बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान और वंचित योग्यता सूचना सहायक पद के समकक्ष हो गए, जबकि वरिष्ठ कंप्यूटर के अनुसूचित के वेतनमान और योग्यता सहायक प्रोग्राम पद के समकक्ष यहाँ पर हो गए। वही बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं यहाँ पर पद भरे जाएंगे। वही वरिष्ठ कंप्यूटर के अनुदेशक के कुल पदों में से 75% जो पद है वो सीधी भर्ती और 25% पद विभाग में कार्यरत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के सर्वेक्षा परीक्षा पास करने पर पदोन्नत किए करके ये भरे जाएंगे। इसलिए प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है। वही वर्तमान में प्रदेश में कुल 10,780 सरकारी विद्यालयों में ICT लैब संचालित है, जिनमें अभी करीब 800 विद्यालयों में से ही अनुदेशक उपलब्ध है।
शेष विद्यालयों में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एक एक पद सर्जित यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में प्रत्येक ब्लॉक में सबसे ज्यादा नामांकन उच्च माध्यमिक विद्यालय और महात्मा गांधी विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एक एक पद सर्जित यहाँ पर किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2014 में संविदा आधार पर कार्य कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों को हटा दिया गया था। वही कंप्यूटर शिक्षक लंबे समय से भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वही प्रस्ताव के अनुसार कंप्यूटर अनुदेशक को हर महीने 18,500 रुपए और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को 23,700 रुपए पदोन्नति पर आने वाले वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को 33,800 रुपए का परिश्रमिक यहां पर मिलेगा, जबकि पहले संविदा पर लगे कंप्यूटर शिक्षक को महज 2,500 रुपए मानदेय दिया जा रहा था। चलिए बात कर लेते हैं अगले मिनट की। तो चेक पेमेंट को रोकने के लिए कस्टमर को अब नहीं लगाने पड़ेंगे बैंक के चक्कर, SBI दे रहा है ये खास सुविधा। अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं और आप किसी कारणवश बैंक में जमा किए गए चेक का भुगतान रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बार बार शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। आप बिना बैंक के चक्कर काटे घर बैठे आसानी से इसे रोक सकते हैं। इसके लिए SBI एक आसान विकल्प देता है जिसके जरिए आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए। वही चेक पेमेंट को यहाँ पर चेक पेमेंट करने से रोकने के लिए आप SBI YONO या फिर SBI YONO लाइट ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। चेक भुगतान रोकने और कई कारणों से यहाँ पर चेक भुगतान उसको कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने गलत राशि के लिए चेक जारी कर दिया है या फिर आपने चेक जारी करने के बाद ऑर्डर रद्द कर दिया है, ऐसे में आपको भुगतान रोकना पड़ सकता है। इन सब के हल के लिए SBI अपने ग्राहकों को विशेष यहाँ पर सुविधा दे रहा है। वही इंटरनेट बैंकिंग से रुक सकता है भुगतान। वही चेक भुगतान रोकने के लिए आपको SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ पर SBI online.com वेबसाइट, उसके ऊपर लॉगिन करें। अब इस सर्विसेज का सिलेक्शन के तहत आप स्टॉप चेक पेमेंट विकल्प को ओके करना होगा। उसके बाद खाते का चयन करें और उसे चेक जारी किया गया है उस चेक को चेक करें। इसके बाद पोर्टल में आपसे चेक स्टार्ट चेक नंबर और चेक नंबर को आपको देने के लिए कहता है। वो चेक नंबर आपको देना होगा। वही उपयोगकर्ता को चेक के प्रकार का चयन करना होगा। वही ग्राहक को चेक भुगतान रोकने का कारण बताना होगा। इसके लिए कारण रोके विकल्पों में से एक का विकल्प को आप चुन सकते हैं। वह SBI द्वारा इस सेवा के लिए शुल्क स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये आपके खाते से अलग यहाँ पर काट लिया जाएगा। आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक करके आप रिक्वेस्ट का वितरण भर सकते हैं। वही इसकी तरह आप YONO जो SBI का ऐप है उससे भी आप ये काम कर सकते हैं, चेक वगैरह रोक सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो मानसून ने पकड़ी है रफ्तार। भारत के 2/3 हिस्सों में हो सकती है झमाझम बारिश। उत्तर भारत के कई इलाकों में जहां जून की भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दक्षिण भारत समेत कई अन्य हिस्सों में मानसून का आगमन हो चुका है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही मानसून भारत के 2/3 हिस्से में फैल जाएगा। इस दौरान तेज गर्जन के साथ भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक जैसे राज्यों में पहले से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। कई उत्तरी राज्यों में भी आसमान में बादल छाए हुए और मध्यम से हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि जून के अंत तक पश्चिम तट पर पछुआ हवाओं और समुद्री तटों पर ठंडी और गर्म हवाओं के मजबूत होने के कारण पश्चिमी तटों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की जो तेजी है उसमें कमी आई है। इसके चलते दिल्ली में मानसून पहुंचने में अभी भी यहाँ पर 4-5 दिन का वक्त लग सकता है। 4-5 दिन या 5-6 दिन यहाँ पर लग सकते हैं। वही मौसम विभाग ने भारत के दक्षिण हिस्सों में वर्षा के सामान्य होने के करीब होने की आशंका यहाँ पर जताई है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि दक्षिणी पश्चिम मानसून के उत्तर पश्चिम भाग के बाकी हिस्सों में देरी से पहुंचने की वजह से पछुआ हुआ, जिसमें कुछ प्रतिकूल बदलाव हुआ है, उन्होंने अपने दो हफ्ते पहले पूर्वानुमान में कहा था कि 27-30 जून के बीच मानसून रफ्तार पकड़ने की गुंजाइश है। वह मानसून के कुछ दिनों में पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में फैलने की आशंका है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और गंगा के करीबी इलाकों में चक्रवाती परिसंचरण बनने के कारण बारिश यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा भारतीय मौसम वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और उत्तरी ओडिशा के में अगले 48 घंटों में भारी बारिश होगी। वही दक्षिणी पश्चिमी मानसून बीते 18 जून को राजस्थान की सीमा में दस्तक दे चुका है। वह आने वाले दिनों में ये आगे बढ़ेगा। वही दक्षिणी पश्चिमी मानसून करीब 5 दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश पर मेहरबान हो गया है। वह अगले 2 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने आज तेजी से उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें यहाँ पर दस्तक दे दी है। वही गुजरात में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 2 दिन की जोरदार बारिश से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से नदियां के बहने का दृश्य नजर आ रहा है,
जिसे किसान राहत महसूस कर रहे हैं। वही जल यहाँ पर जल जमा हुआ है, वही लोग यहाँ पर पानी भरने से यहाँ पर लोग मतलब सड़कों पर और कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। वही कई गाँव के रास्ते बाधित हो गए हैं। वही गुजरात के कई इलाकों में लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात गुजरात के अंदर बने हुए हैं।